the boards can be good, bad, or ugly. So different types of the boards includes, number one, the rubber stamp board. What do you think about this one? What is a rubber stamp board? बस शेयर होल्डर्स वगैरह की तरफ से जो ऑर्डर मिले उसको फॉलो करें। यस मैन। रबर स्टैम्प का मतलब ये है कि बस जो आए बस उसको स्टैम्प किए जाओ, उसको जो है ना इंडोर्स किया जाए कि जी बस ठीक है जो है ना उसमें, ठीक है। दे डू नॉट प्ले एन इफेक्टिव रोल, दे सिंपली अप्रूव वट एवर आर द विल्स एंड विशेस ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। सो वट सो एवर डिसीजन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ बोर्ड बेसिकली सिंपली एक्ट्स एज एन अप्रूविंग अथॉरिटी जो है ना, दे एक्ट इन द ऑन द बिहाफ ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है ना उसमें। Another one, yes men board. Yes boss wala system. जी yes boss wala, boss is always right. बस जो chairman of the board ने कह दिया है बस उसको जो है ना वो हम लोगों ने follow करना है। Chairman majority shareholders से जो है instructions ले रहे हैं और वो majority shareholders की instructions जो है वो बाकी लोग जो है ना वो follow कर रहे हैं जो है ना उसमें। What about this one? Sir, इन दोनों में difference क्या होगा? Yes man board में और rubber stamp board, दोनों same काम नहीं कर रहे, shareholders को serve कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। Yes man board का मतलब ये है कि जो उनके जो chairman है, जो भी वो decide कर रहे हैं, बस उसको जो है ना वो acknowledge कर रहे हैं जो है ना उसमें, ठीक है। मतलब they are somewhat similar जो है ना इस condition में कि वो कोई effectively अपना रोल जो है ना वो प्ले नहीं कर रहे जो है ना उसमें। और रबर स्टैम्प का भी मतलब इसी तरीके से है कि बस जो डिसीजन आना है उसको उन्होंने क्या कर देना है, वो अप्रूव कर देना है जो है उसमें। तो ऐसे दोनों का काम तो इन इफेक्टिव ही है, कोई डिसीजन को चैलेंज नहीं करना, कोई ओपिनियन जो है ना वो नहीं देना जो है ना उसमें। बट थोड़ा सा डिफरेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि रबर स्टैम्प में सिंपली ये है कि वो सिर्फ बस कह लें कि नॉमिनीज हैं बोर्ड के ऊपर, जो जो भी डिसीजन आता है बस उसको साइन करने के लिए जो है ना बैठे हुए जो है ना उसमें। और यस मैन बोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, जो भी उनका जो चेयरमैन है उसके जो डायरेक्टिव्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो चल रहा है जो ना उसमें, ठीक है। है दोनों ही इनइफेक्टिव है, दोनों के जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना कोई भी रोल नहीं है जो है ना उसमें, ठीक है जी। गुड ओल्ड बॉयज बोर्ड सर, इफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स, a majority of the members of the boards are old friends, so yes. They will revive and maintain and foster their old relations and affiliations. Very right Joanna sir. For example, koi college friends the, university friends the, koi batchmates the jo hai na, to unme se kisi ne company jo hai na start kar li aur baki logon ko on board kar liya as board of directors. तो अब वो जब मिलते हैं तो वो पुरानी अपनी यादें भी जो है ना वो उसकी मेमोरीज को जो है ना रिकॉल करते हैं, उसको चेरिश करते हैं। तो ज्यादा गपशप जो है ना वो अपने ओल्ड टाइम्स के बारे में ही जो है ना वो चलती रहती है। तो यानी कि जो अपने फ्रेंड्स हैं या ऐसे लोग जिनके जो आपके पुराने जानने वाले हैं उन्हीं को अगर बोर्ड्स में रख लेते हैं तो दिस वुड बी अ काइंड ऑफ गुड ओल्ड बॉयज बोर्ड जो है ना उसमें, ठीक है जी। Then there is another one which is called as paper board. ये क्या क्या होता है? Excuse me sir. जी जी. Sir, इसमें decision making जो है वो ineffective होगी और इनमें जो है वो कौन जो है decision perform करेगा? देखें अब good old days जो है old boys board का मतलब भी है कि they all are friends जो है ना उसमें। तो जब सारे के सारे दोस्त हैं तो they are least concerned about the actual performance of the company. Maybe they some of them would not be relevant in that board jo hai na, jo humne kaha tha na ki balance of expertise ya balance of talent hona chahiye, to shayad wo bhi exist na karta ho. Sirf jaan pehchan ki base ke upar, dosti ki base ke upar kya kiya gaya jo hai na ki wo unki appointment kar diye. Jaise aapne dekha hoga ki bahut sari jo government positions hoti hain unke upar jo appointment hoti hain, political appointment ki ja rahi hoti hain या रेफरेंस बेस्ड अपॉइंटमेंट की जा रही होती है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बंदे की रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी जो है ना उस चीज के लिए वो मीट नहीं कर रही होती, बट सिंस ही और शी हैज अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रिलेटेड टू समवन हु इज इन पावर, तो क्या किया जाता है कि उनको जो है ना वो पोजीशंस जो है ना वो ऑफर कर दी जाती है जो है ना उसमें। तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि दे मे नॉट बी हैविंग द एक्सपर्टीज और द पावर, बट सिंस दे आर रिलेटेड